एक शाम दे ही आज साई मेरे घर आए हैं लेकिन अगर मैंने साई को भिक्षा दी और सरकार को पता चल गया तो वो मुझे काम से निकाल देंगे राम जी भला करे रुकिए साईं कुलकर्णी सरकार का डर आपको है आई मैं उनके यहाँ काम नहीं करता हूँ साई हमारे घर से खाली हाथ नहीं जा सकते हैं लीजिए साई राम जी भला करे क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो जी बोलिए साई तुम ये अनाज मुझे पीस कर दे सकते हो क्या जरूर साई मैं ये सब पीस कर द्वारका माई पहुंचा दूंगा लेकिन याद रहे ये अनाज तुम्हें खुद ही पीसना है इसे पीसने में किसी की मदद नहीं लेनी है तुम्हें और जब तक ये अनाज पिस नहीं जाता तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगे चाहे कुछ भी हो जाए जी साईं उसका नाम चंपा है वो पास की बस्ती में रहती है उसके पिता का एक छोटा सा खाट का व्यापार है लेकिन एक बात बताओ अचानक से तुम्हारी इतनी दिलचस्पी उस लड़की में कैसे होने लगी तुम्हारी प्राथमिकता तो दमयंती की खोज की होनी चाहिए ना सही कहा वही तो मेरी प्राथमिकता है बलात्मन सोचो अगर हम उस लड़की को रानी दमयंती की भूमिका निभाने को कहें तो कैसा रहेगा होश में तो हो तुम एक लड़की और नाटक में अभिनय ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है गणपत क्योंकि ये महान काम गणपत राव के द्वारा होना ही निर्धारित था अब तक पूरे भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ अरे मैंने तो सुना है कि इंग्लैंड में औरतें अभिनय सालों से करती आ रही हैं। अब समय आ गया है कि यहां भी ऐसा हो अगर सरकार को पता चला तो आई शिरडी में सारे लोग साई की वजह से बेखौफ रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई भी उन पर आंच आती है मुसीबत आती है और परेशानी आती है तो साई उनकी मदद करेंगे अगर हम पर कोई मुसीबत आ गई तो कौन करेगा हमारी मदद क्या कुलकर्णी सरकार मदद करेंगे हमारी क्या ये गोपाल का घर है आई मैं भी आया जी कहिए क्या तुम्हारा नाम ही गोपाल है हाँ हमारे शिविर के तंबू को ठीक कराने के लिए एक मजदूर की जरूरत है किसी ने मुझे तुम्हारा नाम बताया क्या तुम हमारा काम करोगे हाँ जरूर आप चलिए मैं अभी अनाज पीस कर आता हूँ नहीं हमें जल्दी है इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ
अगर तुम्हारे पास समय है तो ठीक है, वरना मैं किसी और से बात कर लेता। इसे पीसने में किसी की मदद नहीं लेनी है तुम्हें, और जब तक ये अनाज पिस नहीं जाता तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगे। मतलब देर की तो काम हाथ से गया, इनका काम जल्दी से खत्म करके लौट आता हूँ, उसके बाद साई का काम करूंगा। वैसे भी साई कहते हैं कि काम पहले। चलिए साई। उसने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि गणपत राव उसे अपने नाटक में मुख्य भूमिका निभाने देगा। अरे और दर्शक, दर्शक तो हमारा नाटक देखने के लिए पागल हो जाएंगे। फलाल पंथ, यहां से लेके नासिक तक दर्शकों की कतार लगेगी। फलाल पंथ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा पर मुझे साफ साफ दिख रहा है। तुम सिर्फ एक पक्ष देख रहे हो गणपत, और दूसरा पक्ष यह है कि आज भी हमारा समाज अपने घर की बहन बेटियों को नाटक करने की अनुमति नहीं देगा। और दुनिया की छोड़ो, क्या तुम अपनी बहन बेटी या पत्नी को नाटक करने की अनुमति दोगे? बेशक दूंगा, अगर उनमें प्रतिभा होगी तो मुझे तो खुशी होगी कि वो अपनी प्रतिभा, अपनी कला दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। अरे बलाल पंत, अगर मैं कला का और कलाकारों का सम्मान ना करूं तो दूसरों से मैं अपेक्षा कैसे रख सकता हूं? और सच तो ये है कि चंपा एक बेहतरीन गायिका है। इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या उसके घर वाले मानेंगे? मानना पड़ेगा, उन्हें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि गणपत राव को कोई भी मना नहीं कर सकता। अब तुम इतने व्यस्त हो गए हो कि अपनी माँ के घर के सामने से ऐसे उसे मिले बिना जा रहे थे। नहीं भाई सामा, व्यस्त नहीं हूँ, बस थोड़ा जल्दी में था। हाँ हाँ सब पता है मुझे। अब तुम दो पल के लिए यहाँ चुपचाप बैठो, चलो बैठो, अभी आती हूँ मैं। समा, अभी तो खाने का समय भी नहीं हुआ है। हाँ हाँ जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ कि आज के दिन में तुम दोबारा से इस रास्ते से नहीं लौटोगे, और मैं भी कहाँ द्वारका माया आ पाती हूँ तुम्हारे लिए खाना लेकर। चलो लो। आई की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो बहू के फर्ज के आगे आजकल मैं माँ का फर्ज नहीं निभा पा रही हूँ। वैसे मेरे दोनों बेटे बहुत समझदार हैं, माँ की मजबूरी को समझते हैं, है ना? मैं समझता हूँ भाईजामा, और तात्या भी मुझे सब कुछ बताता रहता है। तात्या, वो खुद कहाँ घर में रहता है कि वो तुम्हें सब कुछ बताएगा? आजी की बीमारी के बारे में तात्या आपसे ज्यादा समझ रखता है। अप्पा जी के खेतों के बारे में, मंडी के बारे में सब कुछ बताता है मुझे। यहाँ तक कि उसने ये भी बताया था कि उस दिन काम करते करते कैसे आपके कंगन टूट गए। अच्छा, मेरा तात्या सब कुछ इतनी बारीकी से देखता है।
रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? गोपी जाओ, किसी वैद्य को लेकर आओ। किसी को लेकर आने की जरूरत नहीं है, साई है ना, आप सब घबराइए मत। अरे आप बात समझने की कोशिश कीजिए, ये कोई कपड़े सिलने जैसा आसान काम नहीं है, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, और इसमें ये फकीर काम नहीं आएंगे। तुम खड़े क्यों? जा जाके वैद्य को बुला के लाओ। मुझे पता है ये कोई कपड़े सिलने जैसी आसान बात नहीं है, लेकिन शायद अब तक आप साई को पहचान ही नहीं पाए हैं। जब अपने आप को छोटा करके देखेंगे तभी संसार में अपने से बड़े को पहचान पाएंगे आप। मेरा कहा मानिए, साई जो कर रहा है उसे करने दीजिए, आप बस श्रद्धा और सबूरी रखिए। लेकिन गोपाल! 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 साई! साई! मेरे बच्चे की मदद कीजिए साई, मेरे बच्चे को बचा लीजिए साई, मुझे विश्वास है सिर्फ आप ही मेरे बच्चे को बचा सकते हैं साई। सुना आपने, गोपाल की माँ भी यही चाहती है कि उसके बेटे का इलाज साई करे। नर्मदा संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा गोपाल को। हाँ आ जा। की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, जो कि थोड़ी गहरी है, और यहां चोट लगने से इंसान जिंदगी भर के लिए अपाहिज भी हो सकता है। मैं अब भी कह रहा हूं हमें वैद्य को बुलाने दीजिए। मैंने सुना है इस क्षेत्र में सबसे अच्छे वैद्य कुलकर्णी सरकार हैं। वैसे भी यह दुर्घटना हमारे तंबू में हुई है, एक के बाद एक मुसीबतें हम पर टूट रही हैं, और अगर कुलकर्णी सरकार को पता चल गया कि इसे कुछ हुआ है तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, शिरडी से बाहर फिकवा देंगे। सबूरी, सबूरी रखिए। गोपी थोड़ा पानी और कपड़ा लेकर आओ। सुनो। अरे आप नाटक वाले राव साहब हैं ना? कुछ काम था तुमसे। अरे रे रे रे, रुकिए रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या किया मैंने? साहब आप हमें बुला लिए होते, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए साहब। हम नीच जात के साहब। ये ऊंच नीच छुआ छूत की बातों में मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। आओ अंदर आइए। बैठिए साहब, बैठिए। अरे चंपा बिटिया, एक गिलास पानी लाना। अभी लाई बाबा। बोलने के अंदाज में भी कला है, संवाद के लिए भी बिल्कुल उपयुक्त है। हाँ साहब, अब बताइए कितनी चाहिए आपको? कितनी क्या मतलब, छोटी वाली चाहिए या बड़ी? मेरे पास हर तरह की खाट है। मुझे खाट नहीं चाहिए। तुमने तो सुना ही होगा कि शिरडी में मैं राजा नल और रानी दमयंती की कहानी पर नाटक कर रहा हूँ। हाँ सुना है, और हमारी बिटिया ने तो आपका नाटक भी देखा है।
पानी दे सकता। ये लीजिए भाव। आपका नाटक बहुत अच्छा है। अच्छा, एक राज की बात बताएं कि जब से आपका नाटक देख के आई है ना, तब से उसी नाटक का गीत गुनगुनाती रहती है। लेकिन शायद अब शिरडी में मेरे नाटक के गीत ना गूंजे। क्या हुआ? जो अभिनेता रानी दमयंती की भूमिका निभा रहा था, उसे बीमारी की वजह से अपने गांव वापस जाना पड़ा। अब मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं। सरकारी जमीन को किराए पर लेने के लिए मैंने कुलकर्णी सरकार को अत्यधिक शुल्क दिया है, और खेल चले इसलिए एक निवेशक से भी पैसे उधार में लिए थे, जो मुझे अब वापस करने हैं। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं साहब, अब लेकिन ये सारी बातें आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैं तो खुद गरीब आदमी हूं, और साहब इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। असल में केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। साईं, क्या आपको विश्वास है कि आप अब बोलने पर भी पाबंदी है? अगर गोपाल को कुछ हो गया तो फिर ये तो तय है कि कुलकर्णी सरकार हमें शिरडी से बाहर फेंक देंगे। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कान जान पाया। ओ साई 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 ओ। हाँ सरकार, हमने अपने कानों से सुना, वो गणपत इतना चिल्ला रहा था, इतना चिल्ला रहा था कि अब तक तो उसकी आवाज बैठ चुकी होगी, और अब तो उसके पास दमयंती भी नहीं है। हरिओम हरिओम, मुझे चुनौती देने चला था वो भांड, उड़ गया ना उसका बुरिया बिस्तर शिरडी से। हैं? वैसे कब जा रहे हो? सरकार, वो आप बोलते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बड़ा ठीट आदमी है गणपत राव, गांव से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वो दमयंती के भूमिका के लिए किसी और को ढूंढ रहा है, और बहुत लोग आए भी थे, लेकिन उसे वो आदमी नहीं मिला जो औरत की आवाज में गा सके। मूर्ख है वो गणपत राव, मूर्ख। शिरडी के लोग दो दिन उसका नाटक देखने क्या गए, उसे लगने लगा कि शिरडी के लोग उसकी पूर्णता में उसकी नाटक नौटंकी में हिस्सा लेने जाएंगे।
करने दो उसे प्रयास, आज नहीं तो कल उसे हारना ही है, है कि नहीं? हरिओम। और ना सिर्फ तुम मेरी मदद करोगे पर इसमें तुम्हारा भी बहुत फायदा होगा। आप बताइए आपको चाहिए क्या? चंपा की गाय की सुनी है मैंने, साक्षात मां सरस्वती का आशीर्वाद है इस पर, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अपने नाटक में रानी दमयंती की भूमिका निभाने का मौका मैं चंपा को दूंगा। चल अंदर। आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं, नाटक वाटक में लड़कियों का काम करना शोभा नहीं देता। और साहब हम गरीब जरूर हैं लेकिन इतने मजबूर नहीं है कि अपनी बेटी को ऐसा घटिया काम करने देंगे। कृपा करके आप यहां से जाइए। देखिए मैं समझता हूं कि आपके बहुत सारे चिंताएं हैं पर मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारी बेटी मुख्य अभिनेत्री होगी, चंपा मेरी छोटी बहन जैसी है, उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा, पूरी इज्जत दी जाएगी और साथ में मैं तुम्हें पैसे भी तो दे रहा हूं जिसे तुम बचा के उसकी शादी धूमधाम से कर सकते हो। अपनी बेटी को सबके सामने नचा गवा के धूमधाम से शादी कराऊं? हां इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं मैं, समझे आप? और मेरी बेटी कोई तमाशे वाली नहीं है कि आपके नाटक में आके काम करेगी। कड़ाए नाटक में अभिनय करने का मौका देने वाले, जाइए यहां से आप। शुक्रिया साईं। शुक्रिया मेरा नहीं, उस मालिक का अदा कीजिए। मैंने गोपाल के लिए जो कुछ भी किया वो तो मेरा फर्ज था। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मैं सुबह आपको खाली हाथ लौट आ रही थी, पर क्या करें साईं, मजबूरी ने मेरे हाथ बांध रखे थे। मैं समझ सकता हूं लेकिन लेकिन इसकी इसकी चोट कहां गायब हो गई? बिना किसी उपचार बिना किसी औषधि के ये ठीक कैसे हो गया? साईं ये कैसे किया आपने? ये तो चमत्कार है। मैंने कहा था ना आप साईं को नहीं जानते, वो क्या करता है कैसे करता है इसके बारे में मत सोचिए, आप बस अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आपको साईं की लीला देखने का मौका मिला और अब मुझे आपसे उम्मीद है कि आप साईं पर किसी तरह का कोई संदेह नहीं करेंगे। हो गया, अब मेरी बात सुन।
नाटक और तमाशे में जमीन आसमान का फर्क होता है, और तुम किसी भी कला का अपमान नहीं कर सकते, वो भी गणपत राव के सामने। गणपत राव का नाम पूरे हिंदुस्तान में इज्जत से लिया जाता है, और मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, हमारा नाटक पवित्र वेद और पुराणों की कथाओं पर आधारित है, और साथ ही मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे रहा हूं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी समस्या क्या है। अरे कहा ना, मेरी बेटी नहीं करेगी तुम्हारे नाटक में काम, बस। देखिए साहब, हम लोग गांव के गरीब लोग हैं, आप शहरी लोगों जैसी सोच नहीं रखते, जाइए आप यहां से। शिरडी में गणपत राव का इतना अपमान, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? उसने गणपत राव का, उसकी कला का तिरस्कार किया, और वो भी उस दो कौड़ी के इंसान ने। मैंने जो कहा था वही हुआ ना, लेकिन तुम चिंता मत करो। तो क्या करूं? लगता है उसे और अधिक पैसों का प्रस्ताव देना होगा। सर से पैर तक कर्जे में डूबे हुए हो तुम, उन्हें और अधिक पैसे कहां से दोगे? मेरी बात मानोगे? तुम्हें साई से मिलना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहां मैं इतने मुश्किल में हूं और तुम मुझे बोल रहे हो कि जाके उस फकीर से मिलूं? नहीं गणपत, उन्हें मामूली फकीर समझने की गलती मैंने भी की थी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी कितनी बड़ी भूल थी। और उस लड़के को साईं ने ठीक कर दिया। लगता है शिरडी के लोगों की तरह तुम भी विचित्र हो रहे हो। गणपत, भला कभी ऐसा होता है क्या? होता नहीं, हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं गणपत, वहां पे मंडली के और भी सदस्य मौजूद थे, तुम चाहो तो उन सबसे पूछ सकते हो। मैं समझता हूं ऐसे चमत्कारों पर विश्वास करना तुम्हारे लिए मुश्किल है, मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन आंखों देखी को कैसे जुटला सकता हूं। अगर तुम अपनी समस्या का हल चाहते हो तो अपने प्रबंधक, अपने दोस्त की बात मानो और जाकर साईं से बात करो। उस आदमी पर तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है, इसमें अपनी बेटी चंपा की क्या गलती है? अरे ऐसा तो किसी के भी साथ हो सकता है ना। लेकिन हुआ तो हमारी बेटी के साथ ना, किसी और की बेटी के साथ तो नहीं हुआ। ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है जो हम आज ये दिन देख रहे हैं। और भेजिए उसे मंदिरों में गाने के लिए। कितनी बदनामी होगी हमारे गांव में जब लोगों को ये पता चलेगा कि चंपा के लिए नाटक में काम करने का प्रस्ताव आया है। सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी वो। अरे फिर वही बात, चंपा से ज्यादा गलती ना आपकी है, अब आपको उसके लिए सख्त होना ही होगा, उस पर पाबंदियां लगानी ही पड़ेंगी ताकि समाज में लोग इसे बुरी नजर से ना देख सके। साथ ही आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसे आप लाड प्यार देकर और सिर पे ना चढ़ाएं, इसकी सारी बातें ना माने, इसकी आदतों को और ज्यादा ना बिगाड़े। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो ससुराल जाके ये वहां के माहौल से सामंजस्य कैसे बिठा पाएगी? गणपत राव की गुस्ताखी की सजा मैं अपनी बेटी को नहीं दे सकता, और वैसे भी वो अब इस दरवाजे पर अपने कदम नहीं रखेगा। तुम भी अब चंपा को एक शब्द नहीं कहोगी।
अरे क्या कर रही हो तुम? अरे मुन्ना मान ही नहीं रहा था, उसे सुला रही थी। अब सो गया ना, आप जल्दी जल्दी काम करो। जी। अरे इसमें गुड़ नहीं डाला, जल्दी से गुड़ डाल दो, जल जाएगा वो। हाँ अभी डालती हूँ। आपने सही, आपने आग में हाथ क्यों डाला? वो बच्चा आग में गिरने वाला था, उसे बचाने के लिए आग में हाथ डालना जरूरी था, वरना उसकी जान चली जाती। श्यामा कौन सा बच्चा साई? सवाल बाद में, पहले जल्दी से जाकर ठंडा पानी लेकर आओ। मैं लाती हूँ। आई अभी आप कहाँ जा रही हूँ? साई के हाथ जल गए। क्या? भाई साई का हाथ जल गया है। क्या? हाँ चलो। साई का हाथ जल गया? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक बार साई से बात कर लो, फिर जो जी में आए वो करना। हाँ हाँ चल तो रहा हूं, कितनी बार वही बात बोलते रहते हो तुम। काका साई का हाथ जल गया है। क्या? हाँ जल्दी चलो। हाँ चलो। तो बहुत भीड़ है, चलो हम बाद में आएंगे। बहाने मत करो, चलो। क्या हुआ? साई का हाथ जल गया है। सुना तुमने? तुम तो कह रहे थे कि साई ने उस गोपाल की रीढ़ की टूटी हुई हड्डी ठीक कर दी थी, यहां तो इसका खुद का हाथ जला हुआ है।
अगर उसने इतना बड़ा चमत्कार किया तो अपने आप को ठीक क्यों नहीं कर रहा? गणपत? हाँ, सफाई देने की कोशिश भी मत करो। लगता है तुम्हारी पगड़ी के साथ तुम्हारा दिमाग भी बन गया है। जाओ, अपनी पगड़ी ढीली करो और अपना दिमाग भी। अब जो करना है मैं खुद करूंगा। मुझे मेरी दमयंती मिल गई है, अब किसी तरह से उसके परिवार को मनाना ही होगा। जो तुम बोल रही हो ना, उससे मैं तो क्या दुनिया का कोई भी इंसान विश्वास नहीं करेगा। ये सब भ्रम है तुम्हारा। ऐसे कैसे कोई बच्चा आपके लपटों के बीच में लटका रह सकता है? असंभव। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। सच कहा पंडित जी, ईश्वर की ही कृपा थी, उन्होंने ही आज मेरे बच्चे की जान बचाई है। और इन्हें इन्हें तो मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है। कहते हैं कि तुम्हें भ्रम हुआ होगा, पर मैं जानती हूँ, मैंने उस चमत्कार को अपनी आंखों से होते हुए देखा है। पंडित जी, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए कि वो सारी बलाओं से दूर रहे। भगवान की लीला और उनके चमत्कार को समझने में अक्सर लोग नाकाम होते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं उसे लोग समझ नहीं पाते। जब जीवन में दुख का नियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। क्या तुम साई को जानते हो? साई कौन है ये? साई कहने को तो वो बैरागी है, शिरडी में रहते हैं। सुना है उनमें बहुत शक्ति है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, और एक चमत्कार ये भी है, देखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि साई ने ही मेरे मुन्ने की जान बचाई हो? जरूरत से ज्यादा विश्वास अंधविश्वास होता है शुभदा। साईं शिरडी में रहते हैं और हम यहाँ देवर गांव में, ना हम उन्हें जानते हैं ना वो हमें जानते हैं, तो हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? साईं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और दूरी दूरी तो तुम्हारी सोच में है, साईं के कर्म में नहीं है। तब तो जरूर साईं की ही कृपा रही होगी हम पर, हमें उनसे मिलना चाहिए। आप मुझे साई के पास ले चलिए ना। ये क्या बचपना है शुभदा? आपको जो समझना है समझिए, जो कहना है कहिए। मेरा दिल कहता है कि मुझे उनसे मिलना है तो मिलना है, बस मैं और कुछ नहीं जानती। ठीक है, तुम्हारी यही जिद है तो हम चलेंगे। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान भाव। देख क्या रहे हो? बताओ ये घाव कैसे भरेंगे? हाँ, बहुत जलन हो रही होगी ना? बाहिजा मां, जब आप सबका प्यार मेरे साथ हो तो मुझे कोई तकलीफ कैसे हो सकती है? बातें मत बनाओ साई, बताओ इसका उपचार कैसे करें हम? सबकी मदद करते हो तो अब खुद की मदद करने के लिए बता दोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा।
वाइजा का, मैं साई के लिए चंदन का लेप लाया हूँ। इसे हाथों पर लगाने से इन्हें ठंडक पहुंचेगी। सबूरी के ही जिसने सिखाए उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साई हंस के उठाए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साईं साईं साईं। साईं, अब कुछ दिन तक आप कोई काम नहीं करेंगे, कहीं भी आएंगे जाएंगे नहीं, बस यहीं आराम करेंगे। हम सब आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए भोजन हम लेकर आएंगे, पानी भी आ जाएगा। साईं, आपको बस आराम करना है। चिपरी बेटा, द्वारका माई की सबसे ज्यादा देखभाल तुम करती हो, इसलिए तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि साई यहाँ आराम करे। हाँ काका, मैं सुनिश्चित करूंगी कि साई आराम करे। मैं उन्हें कोई भी काम नहीं करने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम किस लिए मुस्कुरा रहे हो। हाँ हाँ, तुझे तो सब कुछ पता होता है। फिर जरा ये भी बता दे, उपले बेचने कैसे जाएगी तू? सिर्फ जिफरी नहीं, अब से हम में से कोई ना कोई साई के साथ जरूर रहेगा। हाँ, रात को साई के पास मैं रहूंगा, क्योंकि दिन में मुझे काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता है। सुबह सुबह साई की देखभाल के लिए मैं आ जाया करूंगा। दिन में हम बच्चे यहीं आकर अपनी पढ़ाई और गृह कार्य पूरा करेंगे और शाम में मैं आ जाया करूंगा। लेकिन हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे साईं। हाँ साईं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। गणपत, मैं बोल रहा हूँ, काम नहीं बनेगा। लालपन, तुम अपना दिमाग मत लड़ाओ, जो कहा है वही करो। सबकी एक कीमत होती है और हम तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचाते। अब जाओ। नमस्कार, क्या आप ही रविदास जी हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ, कहिए। मुझे कुछ खाट खरीदनी थी। आइए आइए। लगता है आप शिरडी में नए आए हैं, क्योंकि आपको इसके पहले इस गांव में देखा नहीं कभी। जी वो हम बाहर से। कितने खाट चाहिए आपको? पांच। पांच? पांच खाट तो आज ही के दिन आपको मिल जाएगी। इतनी खाट हमेशा हमारे यहाँ तैयार रहती है। धन्यवाद। ये लीजिए पैसे और खाट जल्द से जल्द भिजवा दीजिएगा। ये तो पूरे पैसे हैं। हाँ क्यों,
वो क्या है कि शिरडी में बहुत कम लोग हैं जो एक बार में ही पूरा पैसा दे दें। खैर ये बताइए खाट पहुंचानी कहां पे है? गणपत राव के शिविर में। बाद में हमें और भी खाट चाहिए होंगी, उसका पैसा भी पेशगी में दे देंगे हम आपको। हमारी खासियत यह है कि हम हर चीज का दाम अग्रिम ही दे देते हैं, क्योंकि नाटक में बहुत कमाई होती है हमारी। अपने कलाकारों को भी अच्छा खासा पैसा देते हैं हम। मैं तो आपको यह मशवरा दूंगा कि चंपा को नाटक करने की अनुमति दे दीजिए आप। मैंने फैसला लिया है कि अपने नाटक में रानी दमयंती की भूमिका निभाने का मौका मैं चंपा को दूंगा। नहीं चाहिए तुम्हारे ये गंदे पैसे, बहुत ही घटिया लोग हो तुम। एक बार बोल दिया बात समझ में नहीं आती, निकल जाओ यहां से। देखिए आप खामखा गुस्सा कर रहे हैं, चंपा को हम अपनी बहन बेटी की तरह ही रखेंगे। मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से, वरना वरना मार के तुम्हारा कचूमर बना दूंगा। निकल। और सुन, कनपतराव से जाके कह देना कि मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। सुना तुमने, मैंने कहा था ना काम नहीं बनेगा। अरे वो तो मुझे मारने पे उतारू हो गया था, जान बचा कर भागा हूं। अरे पैसे भी वहीं छूट गए। गणपत मेरी बात मानो, अब भी वक्त है, साई से मिलो, उनसे मदद मांगो। ठीक नहीं हुए हैं, चंदन के लेप का जरा भी असर नहीं हुआ है। एक खंडोवा ये कैसे हो गया? मैंने साईं के हाथों पर खुद लेप लगाया था। कहीं मुझसे दोबारा फिर से कोई गलती तो नहीं हो गई? माल सपति जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपको याद है साईं, जब मैं तुलसा को अकेले जंगल में छोड़कर आ गया था, तो खंडोबा मंदिर का दीपक मुझसे प्रज्वलित ही नहीं हो रहा था। वो शायद खंडोबा का इशारा था कि मैंने गलती की थी। शायद इस बार भी मुझसे ही कोई ना कोई गलती हुई है, तभी तो सही आपका हाथ जैसा का तैसा है। लेप का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं हुआ है साईं। महासभापति जी, जख्म ठीक ना होने का कारण आप नहीं है, आपसे हुई कोई गलती नहीं है। जब सही समय आएगा तो ये जख्म भी अपने आप ही भर जाएंगे। सबूरी रखिए, आप सब सबूरी रखिए। क्या हुआ साईं? भाईसा मां, मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। हाँ
अभी लाया सही। ये लीजिए। सुनिए जी, क्या आप बता सकते हैं कि साई कहां मिलेंगे? वो अभी द्वारका माई में होंगे। आप ऐसा कीजिए, यहां से सीधे जाइए, कुछ दूर पे आपको एक कुआं मिलेगा, वहां से दाएं चले जाइएगा। ठीक जी, धन्यवाद। देखा आपने, साई को सब जानते हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, यहाँ शिरडी में बैठे बैठे साई हमारे मुन्ने को कैसे बचा सकते। साई ने बिना कहीं गए हुए यहीं बैठे बैठे दूसरे गांव में रहने वाले लोगों की मदद की, मतलब एक और चमत्कार। मुझे चलकर पूरी सच्चाई मालूम करनी चाहिए। चंपा, चंपा रुको, चंपा मेरी बात सुनो। देखो, मैंने उस दिन देखा था जब नाटक की बात हो रही थी तो तुम्हारे आंखों में एक चमक थी। चंपा, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा कि ये तुम्हारे लिए कितना बड़ा मौका है? ऐसा अवसर सबकी जिंदगी में नहीं आता। मुझे देखो, मेरे जैसा कोई नहीं, और ये बात सभी जानते हैं। मेरा रहने का ढंग, मेरा रुतबा देखो, और ये सब तुम्हारा भी हो सकता है अगर तुम चाहो तो। चंपा, नाटक में काम करने से पूरे दुनिया में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे लाखों सराहने वाले होंगे जो तुम्हारी कला को प्रोत्साहित करेंगे, तुम्हारे प्रशंसक बनेंगे। जब तुम रानी दमयंती बनकर उनके सामने गाओगी, अभिनय करोगी, तो वो तालियां बजाएंगे, पूजेंगे तुम्हें। तुमने खुद महसूस किया है ना, जब सब लोग खड़े होकर तालियां बजाते हैं तो कैसा लगता है? हाँ, तुम्हारी चर्चा होगी सब जगह। क्या तुम नहीं चाहते कि ये सब तुम्हारे साथ हो? चंपा, तुम्हारी चिंता समझता हूं मैं, बस बेफिक्र रहो, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम्हारे मान तुम्हारे सम्मान का ख्याल मैं रखूंगा, ये मेरा वचन है तुमसे। समाज के बारे में भूल जाओ, सोचो भी मत समाज के बारे में, बस अपने अंदर छिपी प्रतिभा और अपने अंदर सांस लेने वाले उस कलाकार की बात सुनो, और तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। बाबा कभी नहीं मानेंगे। तुम बाबा की फिक्र मत करो, पानी की तरह पैसे बहाऊंगा मैं, लेकिन बाबा और नहीं कल्पतरा। सब लोग बिकाऊ नहीं है, सब लोग अपने रिश्ते नीलाम नहीं करते, कुछ लोग अपने मान सम्मान की कीमत पैसों से नहीं लगाते। चल यहां से। देखो मेरी बात समझ रहे हो जी? देखिए, हम गांव के सीधे साधे लोग हैं,
आप जैसे शहरी लोगों की तरह नहीं सोचते। हमारी घर की बेटियां ऐसे काम नहीं करती, इसलिए हम आपसे विनम्रता से कह रहे हैं, यहां से चले जाइए, नहीं तो हमें आपको जबरदस्ती यहां से भेजना पड़ेगा। चले जाइए यहां से। पापा वो बस, मुझे लगता था आज तक तेरी आई ही गलत सोच रही है, लेकिन नहीं, वो सही थी। आज के बाद इस घर के बाहर कदम नहीं रखेगी तू। लेकिन बाबा। चुप। शुभदा, तुम्हारा नाम कैसे जानते हैं? शायद ही वही है जिन्होंने हमारे मुन्ने की जान बचाई है। वही हैं जिन्होंने मेरे मुन्ने की जान बचाई है। मेरे पास आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है साईं। जब जीवन में दुख का नियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम ने कल अचानक से वो चलती धुनी देख रही आप, उसमें हाथ डाल दिया था और जब हमने पूछा तो वो कह रहे थे कि एक बच्चा आग में गिरने वाला था, तो उसकी जान बचाने के लिए साई ने अपना हाथ उस आग में डाल दिया। ताकि बच्चा ना जले, वो बच्चे की जान बचाने के लिए साई ने अपना हाथ जला लिया। पता नहीं वो बच्चा कौन है, कहाँ है,